Hello students, I hope you all are well and safe. Today we will start with the very first chapter of 12th chemistry, that is the solid state. And as you all know very well that matter exists in three states, and these three states are solid, liquid and gas. आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि एक ही सब्सटेंस तीन अलग अलग स्टेट्स में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, है ना. पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है उसके जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट में अगर कोई चेंज आ जाता है और वो चेंज इतना ज़्यादा है कि वो उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेकर जा सकता है तो लिक्विड स्टेट से वो गैसियस स्टेट में भी जा सकता है. और अगर उसके अपोजिट कोई चेंज था तो वो लिक्विड स्टेट को सॉलिड स्टेट में भी लेकर जा सकता है, है ना. तो और हम ये भी जानते हैं कि चाहे कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है चाहे कोई सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है, दोनों ही स्टेट में इट कैन फ्लो. वाटर है या फिर स्टीम है. वाटर की तीन स्टेट्स हैं, आइस दैट इज़ सॉलिड स्टेट, लिक्विड वाटर इज़ लिक्विड स्टेट एंड स्टीम इज़ गैसियस स्टेट, है ना. तो जो स्टीम है और जो लिक्विड वाटर है वो दोनों ही फ्लो कर सकते हैं, और जो सब्सटेंसेस फ्लो कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्लूइड्स. सो लिक्विड्स एंड गैसेस दे आर आल्सो नोन एज फ्लूइड्स. अब हम देखते हैं कि जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड की जो खास प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस कारण से हैं. उसका रीज़न है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन देयर स्पेशल फॉर्म, इन देयर स्पेशल वे. जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड स्टेट में वो इतने क्लोजली पैक्ड हैं कि उनके बीच में जो गैप है, एम्प्टी स्पेस है, वो ना के बराबर है. ओके, दे आर वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड सो दैट देयर इज़ वेरी लिटल एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम. और जिसके कारण क्या होता है कि उनके बीच में जो अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन, या हम जिनको इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं. पार्टिकल्स के बीच की जो अट्रैक्शन है दे आर नोन एज इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शंस. हम जानते हैं कि जो इंट्रैक्शंस हैं वो दो टाइप की होती हैं, अट्रैक्शंस भी होती हैं रिपल्जन्स भी होती हैं. यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस काफ़ी कम है, वो बहुत क्लोज हैं, इसलिए उनमें जो अट्रैक्शंस हैं दे आर वेरी स्ट्रोंग, ठीक है, जिसके कारण कि सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं. और अब ये नहीं है कि वो मूव करने नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जा सकते, बट दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन. जैसा कि एक पेंडुलम होता है घड़ी का, कि ये उसकी मीन पोजीशन है, तो पेंडुलम कभी यहाँ जाता है और फिर वो वहाँ जाता है, तो इसी तरह से ये पार्टिकल्स भी अपनी मीन पोजीशन के अराउंड सिर्फ वाइब्रेट करते हैं इस तरह से, लेकिन मेन पोजीशन उनकी वही रहती है जो है. तो हिलेंगे तो सही, वो मूव तो करेंगे हल्का हल्का, बट वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जाएंगे. यही रीज़न है कि सॉलिड्स जो हैं वो काफ़ी रिजिड हैं और वो फ्लो नहीं करते हैं. सॉलिड्स आर रिजिड एंड दे कांट फ्लो, इसलिए हम उनको फ्लूइड्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं. तो जो सॉलिड्स की खास अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है इनके अंदर, उसी के कारण सॉलिड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जितने भी सब्सटेंसेस हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, जितने भी सब्सटेंसेस के साथ हम डील करते हैं, हम जिनको यूज़ करते हैं, आप देखते हो कि वो सभी क्या है, सॉलिड स्टेट में ही है. तो सॉलिड्स की जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स होने से सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं. अगर ऐसा नहीं है कि हर जितने भी टाइप के सॉलिड्स हम देख रहे हैं उन सबके अंदर पार्टिकल्स एक ही तरह से अरेंज हैं, सिमिलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये दिखाया है, ऐसा नहीं है कि इसी टाइप की अरेंजमेंट हर टाइप के सॉलिड में होगी, चाहे वो वुड है चाहे वो मेटल है, ठीक है, किसी भी टाइप की मेटल है, आयरन है, गोल्ड है या कॉपर है, ऐसा नहीं है कि सबके अंदर सेम टाइप की अरेंजमेंट होगी, अलग अलग टाइप से अरेंजमेंट हो सकती हैं जिसके कारण डिफरेंट सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ भी डिफ़र करती हैं एक दूसरे से. ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि सॉलिड्स लिक्विड में चेंज हो सकती हैं, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो सकता है. अब क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण कि इंटर कन्वर्जन होती है स्टेट्स की, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स,
इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, ये भी आपने 9th क्लास में किया होगा। बहुत ही एक सिंपल सा डायग्राम था जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड कैन चेंज इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कैन चेंज इनटू गैस, है ना। और हमें ये भी पता है कि जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो सकती है और लिक्विड सॉलिड में चेंज हो सकता है, बट कब चेंज हो सकते हैं वो, कोई ना कोई तो ऐसी हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी ना कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए। हम जानते हैं कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड हैं, तो ऐसा क्या हुआ जिससे वो उनकी जो क्लोजनेस थी वो ख़त्म हो गई, पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर हो गए और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए, और लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स में ऐसा क्या हुआ कि वो बिल्कुल ही दूर हो गए, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर चले गए और उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो ना के बराबर हो गई, नेग्लिजिबल हो गई। और उसका रीज़न है दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि स्टेट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं, एंड दे आर टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम ये जानते हैं कि जो सॉलिड्स हैं उनको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, फॉर बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम आइस का। आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, हीट करते हैं या हम उसको रूम टेम्परेचर पर ले आते हैं। हीट करने का मतलब है कि टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ कर दिया, और दूसरा टेम्परेचर इंक्रीज़ एंड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर हम इसका अपोजिट कर देते हैं, मींस अगर हम इसको कूल कर देते हैं लिक्विड को और प्रेशर हाई कर देते हैं, तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए मैंने ये एरो इस तरफ लगाया है। बिल्कुल इसी तरह से लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं और प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। एंड गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम उसे कूल करते हैं और प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं। तो ये दो फैक्टर्स हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स के लिए हाईली रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि दो अपोजिंग फैक्टर्स आप देख रहे हो, एक जो फैक्टर है दैट इज़ इंटर पर्टिकुलर अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है एक फैक्टर वो है, और ये फैक्टर क्या करता है, ये फैक्टर जो है उनको पार्टिकल्स जो स्टेट है उसको चेंज नहीं होने देता, और दूसरा जो फैक्टर है दैट इज़ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज। अब देखना ये है कि जब दोनों फैक्टर्स अपोजिंग फैक्टर्स हैं, बोथ दीज फैक्टर्स आर अपोजिंग, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं आप देखते हो कि एक टग ऑफ वॉर जिस तरह से गेम टाइप होता है कि रस्सी है उसको दोनों तरफ से अलग अलग लोग खींच रहे हैं, तो जिसमें पावर ज़्यादा है जो जीत जाएगा रस्सी उसी की तरफ चली जाती है, बिल्कुल यहाँ पर भी वैसा ही होता है कि अगर इंटर पर्टिकुलर अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं उनके मुकाबले टेम्परेचर और प्रेशर का चेंज जो हम करना चाह रहे थे वो कम है तो स्टेट चेंज नहीं होगी, है ना। तो जो पार्टिकल जो सॉलिड है वो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा, आप सॉलिड को हीट कर रहे हो, ठीक है, बट वो और हीट भी कर रहे हो आप, उसका प्रेशर भी डिक्रीज़ कर रहे हो, लेकिन आपने इतना ज़्यादा ना तो उसको हीट किया ना ही उसका प्रेशर इतना डिक्रीज़ किया कि वो उसकी अट्रैक्शन को, पार्टिकल्स की अट्रैक्शन को तोड़ पाए, तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा। लेकिन आप उसको लगातार हीट करते ही चले जा रहे हो, करते ही चले जा रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो ये पार्टिकल्स हैं जो अभी तक अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहे थे पेंडुलम की तरह से, उनको आपने लगातार हीट किया, तो हीट करने से आप क्या सप्लाई कर रहे हो उनको, हीट करने से आप उनको एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, और वो एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रही है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आता है बढ़ते बढ़ते अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो गई कि वो अट्रैक्शन से ज़्यादा हो गई, तो पार्टिकल्स के बीच की अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी और पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और इस तरह से लिक्विड स्टेट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह से ही बिल्कुल लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाने के लिए ये दो फैक्टर्स काम करेंगे, अगर प्रेशर और टेम्परेचर का मिला जुला इफेक्ट इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन से ज़्यादा हो जाता है तो लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा, अदरवाइज़ वो गैस में चेंज नहीं होगा। और जिस टेम्परेचर पर, आप ये भी जानते हैं, जिस टेम्परेचर पर
सोलिड जो है उसके पार्टिकल्स अट्रैक्शन को तोड़ कर लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, दैट टेम्परेचर इज़ नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोलिड ना। उस टेम्परेचर पर जो सोलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है सोलिड। ठीक है, ये तो था कि जो जो स्टेट्स हैं वो किस तरह से एक स्टेट से सब्सटेंस है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है। अब हम देखते हैं कि जो सोलिड है उसकी मेन प्रॉपर्टीज़ क्या है। चाहे आप इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं बहुत अच्छे से, जब भी सोलिड को डिफाइन करना होता है तो हम कहते हैं द सब्सटेंसेस विच हैव डेफिनेट शेप, द सब्सटेंसेस विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ये दो रिक्विजिट हैं सोलिड स्टेट में होने के लिए सब्सटेंस के। इफ़ दे द सब्सटेंसेस हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम देन दे आर कॉल्ड सोलिड्स, है ना। और अगर डेफिनेट वॉल्यूम तो है बट डेफिनेट शेप नहीं है, सब्सटेंस कैन चेंज इट शेप, देन इट इज़ लिक्विड। एंड इफ़ बोथ ऑफ दीज थिंग्स शेप एज वेल एज वॉल्यूम आर इनडेफिनेट, दोनों ही फिक्स नहीं है, शेप भी चेंज हो सकती है वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, तो वो गैसीय स्टेट में है। लेकिन जो सोलिड है, सोलिड का क्या है, दोनों ही चीज़ें फिक्स होती हैं, शेप एज वेल एज वॉल्यूम। तो कुछ और हम इसके करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ देखते हैं सोलिड्स की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दिस डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम एज वेल एज डेफिनेट मास। ठीक है, मास क्या है, मास डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। अगर शेप फिक्स है यानी कि पार्टिकल्स जो हैं वो उतने के उतने ही हैं, वॉल्यूम भी फिक्स है, तो मास भी फिक्स ही होगा उसका। जो टोटल हिंदी में अगर हम कहें द्रव्यमान जो है, पार्टिकल्स का नंबर चेंज नहीं हो रहा है तो टोटल मास भी सेम रहेगा, वो भी फिक्स रहेगा। सेकंड पॉइंट क्या है, ये हम कर चुके हैं कि जो इंटर मोलिकुलर डिस्टेंसेज हैं वो शॉर्ट है, जो मैंने आपको ये डायग्राम से सिंपल डायग्राम से बताया है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है। इंटर अगर हम इन पार्टिकल्स को मोलिक्यूल्स मानते हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस कही जाएगी, इंटर मोलिकुलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट, काफ़ी कम है। नेक्स्ट इज इंटर मोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रोंग, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है, स्पेस है, वो ना के बराबर है तो फोर्सेस जो हैं उनको बांध कर रखते हैं जो, वो काफ़ी स्ट्रोंग होंगे। ओके, एंड नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज़ कि जो पार्टिकल्स हैं, जो सोलिड्स हैं जिन पार्टिकल्स के बने हुए हैं, अब आप सोचोगे कि पार्टिकल्स क्या सभी के अंदर एक जैसे होते हैं, नहीं, एक जैसे नहीं होते हैं। अगर जैसे कि हम बात करते हैं मेटल्स की, मेटल्स के अंदर आयरन की बात कर रही हूँ तो आयरन के पार्टिकल्स हैं, अगर मैं जिंक की बात कर रही हूँ तो जिंक के पार्टिकल्स हैं। ओके, लेकिन वो पार्टिकल्स हैं क्या, मेटल्स के जो पार्टिकल्स हैं वो हैं क्या, वो हैं एटम्स, है ना। हम जानते हैं कि जो आयरन है, आयरन मेटल इज़ मेड अप ऑफ आयरन एटम्स, आयरन एटम्स जो हैं वो एक डेफिनेट अरेंजमेंट में जब एक दूसरे के साथ पाइलअप होते हैं तो वो आयरन मेटल का जो एक पीस है या क्रिस्टल है उसको बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर जिंक के एटम्स हैं तो वो जिंक मेटल बनाएंगे। अब अगर मैं बात करूँ किसी और सॉलिड की, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करती हूँ वाटर की, वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं। आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर किससे बना हुआ है, H2O पार्टिकल से बना हुआ है। और एंड दिस पार्टिकल, जैसे कि अगर आप Fe, इसे आप क्या बोलते हो, ये आयरन का एटम है, तो ये क्या है, ये वाटर का मोलिक्यूल है, है ना। वाटर इज़ मेड अप ऑफ मोलिक्यूल्स, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मोलिक्यूल्स हैं। मेटल, और उसमें भी अगर हम एक स्पेसिफिक मेटल लें आयरन, तो उसके पार्टिकल्स हैं एटम्स। और अगर मैं बात कर रही हूँ वाटर, तो उसके पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, वो है मॉलिक्यूल्स। अब मैं एक और टाइप के सब्सटेंस पर आती हूँ, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट जो है, अब आप ये भी पढ़ चुके हैं कि दिस इज़ आयनिक
कंपाउंड, आयनिक सॉलिड, आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, मींस जो आयंस का बना हुआ है, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस. पॉजिटिव आयंस आर सोडियम आयन एंड नेगेटिव आयंस आर क्लोराइड आयंस. जो सोडियम क्लोराइड है, कॉमन सॉल्ट है, वो इन पार्टिकल्स का बना हुआ है. तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, वो है आयंस, है ना. तो सॉलिड जो है वो मॉलिक्यूल्स का भी बना हो सकता है, एटम्स का भी बना हो सकता है, और आयंस का भी बना हो सकता है. सॉलिड को बनाने वाले पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और आयंस भी हो सकते हैं. तो आप यहीं से ही समझ जाओ कि अगर पार्टिकल्स की टाइप्स ही चेंज हो जाएगी, सॉलिड के बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं, किसी सॉलिड के पार्टिकल्स एटम्स हैं और किसी के मॉलिक्यूल हैं, तो डेफिनेटली दोनों के प्रॉपर्टीज़ में तो डिफरेंस आएगा ही आएगा. और यही मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पार्टिकल्स पर ही डिपेंड करता है कि जो सॉलिड है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, पार्टिकल्स की टाइप एज वेल एज देयर अरेंजमेंट. ठीक है, तो अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये हम कर चुके हैं, जो पॉइंट्स हम कर रहे हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं वो आप सब पढ़ चुके हो, और मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया है. फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट मास. सेकंड जो प्रॉपर्टी है सॉलिड की, दैट इज़ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेज आर शोर्ट. एंड थर्ड इज़ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड फोर्थ जो मैंने स्टार्ट किया था पार्टिकल्स की टाइप से आपको बताना शुरू किया था कि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं दे डू नॉट मूव. ये भी हम ये अभी अभी कर चुके हैं. सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट मूव, ओनली ओसिलेट अबाउट देयर मीन पोजिशन. उनकी जो मध्य स्थिति है उसके अराउंड, उसके दोनों तरफ वो ओसिलेट करते हैं, मींस दोलन करते हैं. हिंदी, अगर हम सिंपल हिंदी का वर्ड यूज़ करें तो हम इसको कहेंगे दोलन करते हैं वो. ठीक है, दोलन आपको पता ही है कि जैसे पेंडुलम करता है. एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, वो ये है कि ये जो है इनकम्प्रेसिबल होते हैं. सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल मीन्स इनको दबाया नहीं जा सकता है. आप अगर लोहे का एक टुकड़ा लेते हो, आप पूरा अपनी पूरी ताकत लगा देते हो, पूरा जोर लगा देते हो उसको दबाने का कि हम इसको दबा कर पतला कर दें. जैसे कि आप एक किसी भी कोई भी चीज़, अगर आप जैसे आप स्पंज होती है जिस जो कि सोफ़े के अंदर होती है या सीट्स के अंदर होती है, उसको आप दबा सकते हो, है ना. तो आप चाहते हो कि मैं लोहे को भी दबा दूं, लेकिन आप उसको नहीं दबा पाते हो. तो वो सॉलिड्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि दे आर इनकम्प्रेसिबल, उनको दबाया नहीं जा सकता. अगर मैं इसको हिंदी का वर्ड यूज़ करूँ यहाँ पर, अगर आपको वो ध्यान है, तो इसे बोलते हैं कि हम इसको संपीड़ित नहीं कर सकते, हम इनको दबा नहीं सकते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ से आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, तो क्या जो स्पंज है जो कि सीड्स के अंदर होती है, क्या वो सॉलिड नहीं है? आप उसको देखते हो जो सीट के अंदर स्पंज होती है या कॉटन होती है, तो अगर वो दबाई, वो तो दबती है, वो कंप्रेसिबल है, तो इसका मतलब वो सॉलिड नहीं है, क्योंकि हम तो पढ़े हैं कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल. और जबकि कॉटन जो है वो दब जाती है, दैट इज़ कंप्रेसिबल. इट मीन्स कॉटन इज़ नॉट सॉलिड. नो, इट इज़ नॉट ट्रू. कॉटन इज़ सॉलिड. कॉटन सॉलिड क्यों है? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं ना, आप उसके पार्टिकल्स जो हैं उनको आप उनकी पोजिशन को चेंज नहीं कर सकते हो. वहाँ पर पार्टिकल्स जो अरेंजमेंट हो गई उनकी, बीच बीच में काफ़ी पोर्स आ जाते हैं, खाली स्पेस आ जाता है उनके अरेंजमेंट में. नहीं, अरेंजमेंट तो उनके फिक्स है, लेकिन उनके जो फाइबर्स हैं, कॉटन या स्पंज किसकी बनी हुई है? फाइबर्स की बनी हुई है. और जब उन फाइबर्स को अरेंज किया जाता है तो उनके बीच में स्पेस आ जाता है, और उस स्पेस के अंदर जो है वो एयर भर जाती है, और एयर गैस है और वो कंप्रेसिबल है, इसलिए कॉटन को या स्पंज को हम आसानी से दबा लेते हैं. लेकिन जो फाइबर है जिससे कि कॉटन बनी है या स्पंज बना है, उसको आप नहीं दबा सकते हो, वो इनकम्प्रेसिबल है, एंड दैट इज़ एक्चुअल सॉलिड. फाइबर्स को मिलाते हैं, जब फाइबर्स को हम अरेंज करते हैं तो उनके बीच में स्पेस आने के कारण वो कंप्रेस हो जाती है. अदरवाइज इट इज़ ए फाइबर, सिंगल फाइबर इज़ इनकम्प्रेसिबल, एंड इट मीन्स कॉटन एज वेल एज स्पंज बोथ आर सॉलिड. ठीक है, ये सिंपल बात है, ये आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है इसको. ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं सॉलिड्स की टाइप्स. सॉलिड कितने टाइप के होते हैं?
मेनली आप सोचेंगे कि सॉलिड के कौन कौन सी टाइप के होते हैं। अगर हम देखें, हम कहेंगे कि सॉलिड भाई मेटल्स होती हैं, या जैसे मैंने तीन टाइप के आपको बता दिए कि मॉलिक्यूल्स वाले सॉलिड्स होते हैं, एटम्स वाले सॉलिड्स होते हैं, या आयंस वाले सॉलिड्स होते हैं। इसके अलावा ये तो एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन मेनली जो सॉलिड्स हैं, जो टाइप्स हैं सॉलिड्स की, वो हैं दो टाइप्स के हैं, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो नॉर्मली हम क्रिस्टल्स देखते हैं, जब हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम कॉपर सल्फेट देखते हैं या हम पोटेशियम परमैंगनेट देखते हैं, तो हमें उनके शाइनी क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। या हम नमक को भी देख लें, अगर उसको नमक के पार्टिकल्स तो आपको तो नहीं दिखाई देते होंगे क्योंकि वो इकट्ठा होता है, लेकिन अगर आप उसको हैंडलाइन से देखेंगे तो पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई देंगे, तो वो क्रिस्टल्स हैं। वो तो क्रिस्टल समझ में आ गया कि जो क्रिस्टल्स हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बट व्हाट इज़ अमोर्फस सॉलिड? अमोर्फस सॉलिड क्या है? यू हैव टू वर्क ऑन इट। आप इसको देखें कि किस क्या आपको, जो आप डेली लाइफ में सॉलिड्स यूज़ कर रहे हैं, जिनके पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पार्टिकल्स मीन्स एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आपको नहीं दिखाई देते हैं, वो तो माइक्रोस्कोपिक हैं, उनके क्रिस्टल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे लिए तो वही पार्टिकल्स हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स उनके पार्टिकल्स हैं, नमक के पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। नमक जिन आयंस का बना हुआ है, सोडियम क्लोराइड जिन आयंस का बना हुआ है, वो पार्टिकल्स हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हमें जो दिखाई दे रहा है वो है उसके क्रिस्टल्स। ठीक है, अगर हम उन्हीं को ही फॉर द टाइम बींग हम उन्हीं को ही अगर पार्टिकल्स मान लें तो आपको वो दिखाई दे रहे हैं। तो आप ऐसे सब्सटेंसेस को देखो जिनके आपको कण दिखाई देते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। क्या सभी के जो क्रिस्टल्स हैं वो एक जैसे हैं? सभी के जो पार्टिकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो एक जैसे हैं? आप ये देखो, समझो कि क्या एक जैसे हैं शेप, सभी की खास शेप, जैसे कि सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स की आपको शेप दिखाई देती है, क्या सभी की वैसी शेप दिखाई देती है? शुगर मॉलिक्यूल्स की, शुगर पार्टिकल्स की जो शेप दिखाई देती है, क्या सभी की दिखाई देती है? तो आप इसको सर्च कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि व्हाट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड व्हाट इज़ अमोर्फस सॉलिड।